50,000 की रिश्वत लेते सरपंच पंच गिरफ्तार। निजी जमीन को समतल कराने के एवज में मांगे थे 2.5 लाख रुपए। सरपंच को छुड़ाने पहुंचे समर्थक। नमस्कार, मैं आयुष शिंदे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सतना जिले की ग्राम पंचायत चौरहटा के सरपंच और एक पंच को लोकायुक्त रीवा की टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लोकायुक्त की टीम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आरोपियों के समर्थकों ने उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश की और इसके दौरान टीम पर पथराव भी किया गया। हालांकि लोकायुक्त SP ने हमले की बात से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता राजीव तिवारी ने पुलिस अधीक्षक महोदय को आके अपना शिकायत आवेदन पत्र प्रेषित किया और बताया कि उनकी चौरहटा पंचायत में उनकी जमीन है जिसका वो समतलीकरण करा रहे हैं, तो वहाँ के सरपंच और पंच ने उनके समतलीकरण कराने से रोक दिया और उसके एवज में उनके द्वारा रुपए की मांग की जा रही है। शिकायत पर सत्यापन कराया गया जिसमें शिकायत आज दिनांक को सरपंच को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले की शुरुआत ग्राम पंचायत चौरहटा के सरपंच संजीव लोचन सिंह और वार्ड नंबर 16 के पंच सुरेश साकेत के बीच हुई। सरपंच संजीव लोचन सिंह का आरोप था कि वे अपने जमीन को समतल कराने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। पंच सुरेश साकेत ने काम करने की अनुमति के बिना किसी अन्य काम करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सरपंच ने उससे रिश्वत की मांग की। रिश्वत की मांग के बाद सरपंच संजीव लोचन सिंह ने रिश्वत के तौर पर 50,000 रुपए की मांग की और इसके लिए वे फ्रेंड्स कॉलोनी के निवासी राजीव तिवारी से मिले। 2.5 लाख रुपए में हुआ सौदा, जिसमें सरपंच ने रिश्वत के तौर पर 50,000 की पहली किस्त ली और बाकी की रकम को लेने के लिए राजी हो गए। रिश्वत के मामले का प्रतिकरण लोकायुक्त संगठन की टीम द्वारा हुआ, जिसने ग्राम पंचायत चौरहटा में दबिश दी। सरपंच संजीव लोचन सिंह के पास 50,000 रुपए की रिश्वत जब्त। यह रकम राजीव तिवारी पिता सीताराम त्रिपाठी से मिली थी। इसमें सरपंच की मांग के बारे में साबित करने के लिए द्वारा कई उपायों का सहारा लिया गया। लोकायुक्त टीम ने सरपंच संजीव लोचन सिंह और पंच सुरेश साकेत को गिरफ्तार कर लिया जब वे रिश्वत के तौर पर 50,000 रुपए की पहली किस्त लेते हुए पाए गए। इसके बाद उन्हें अग्रिम कार्रवाई के लिए अमरपाटन ले जाया गया, जहां उन्हें समर्थकों ने कोशिश की उन्हें छुड़ाने की और इसके दौरान टीम पर पथराव भी किया गया। लोकायुक्त टीम के नेतृत्व में इंस्पेक्टर प्रमेंद कुमार समेत कुल 12 सदस्य शामिल थे, जिन्होंने इस मामले की जाँच की और सरपंच और पंच को गिरफ्तार किया। इस मामले में सरपंच और पंच के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप के बाद लोकायुक्त टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। धन्यवाद, देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।